नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार की ओर से एक और नई योजना चलाई जा रही है। तो बीसी और ईबीसी के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को हर महीने 1,000 रुपया प्लस 15 केजी अनाज मुफ्त में दी जा रही है। तो इसका लाभ कैसे लेना है इस वीडियो में देखेंगे पूरी जानकारी के साथ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये बिहार सरकार की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे बिहार सरकार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से ये जो योजना है चलाई जा रही है बीसी ईबीसी के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में निःशुल्क आवासान प्रतिमाह जो है 1,000 रुपये अनुदान एवं 15 किलो खाद्यान्न की सुविधा दी जा रही है। तो देखेंगे पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पटना द्वारा संचालित छात्रावास सभी जिलों में ये अवेलेबल है। ये नहीं कि सिर्फ पटना में ही है, सभी जिलों में ये अवेलेबल है। कैसे इसका लाभ लेना है, कहाँ जाके, मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पटना द्वारा संचालित, देख सकते हैं, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पटना द्वारा संचालित छात्रावास योजना के तहत बिहार के विभिन्न जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए जो 100 सीटों की छात्रावास बनाई गई है उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास तथा, तो सिंपली रूप से अगर हम समझे दोस्तों, तो 100-100 सीटों की बीसी और ईबीसी के लिए छात्रावास बनाई गई है, ठीक है। छात्रों और छात्राओं के लिए आवास बनाया गया है छात्रावास, इसमें रहने पे आपको 1,000 रुपये अनुदान के रूप में मिलता है प्रतिमाह, और 15 किलो मुफ्त में अनाज भी मुहैया कराई जाती है। देखिएगा अन्य पिछड़ा वर्ग ईबीसी वाले के लिए कहाँ कहाँ छात्रावास बनाई गई है, जहाँ पे आप जाके अपना पढ़ाई कर सकते हैं रह के, और वहाँ पे आपको रहने के लिए 1,000 रुपये और 15 किलो अनाज मिलेगा। ये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए देख सकते हैं, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, भागलपुर, जमुई, सुपौल, शेखपुरा, पूर्वी चंपारण, रोहतास एवं मधेपुरा जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास में रिक्तियाँ उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे रहने अगर आप रहते हैं जाके, तो आपको 1,000 रुपये भी मिलता है पढ़ने वगैरह के लिए, और 15 किलो अनाज भी मुफ्त में दिया जाता है। इसी के साथ साथ जो बीसी कैटेगरी के छात्र हैं छात्राएं हैं उनके लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास जो है वो देख सकते हैं, गया जिले में, कैमूर जिला में, भागलपुर, शेखपुरा, मधुबनी, मधेपुरा, पूर्णिया, बेगूसराय, बांका, किशनगंज, नालंदा, सीतामढ़ी, मुंगेर, गोपालगंज, पटना, जमुई, औरंगाबाद, कटिहार, पूर्वी चंपारण, सुपौल, नवादा, बक्सर, अररिया, भोजपुर, सारण, रोहतास एवं अरवल जिला में ये जो है छात्रावास खाली है, रिक्त है सीटें, यहाँ पे जाके आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। ये योजना का लाभ कैसे लेना है दोस्तों, तो आपके ज़िले में जो ये जिला दिखाई गई है इन जिलों में जाके आपका कलेक्ट्रेट ऑफिस में कल्याण ऑफिस होता है, कल्याण ऑफिस में आप जाके संपर्क करेंगे, वहाँ से आपको एडमिशन के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त या फिर जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे जाके आपको अपने कलेक्ट्रेट में कल्याण ऑफिस में जाके आपको संपर्क करना है, वहीं से आपको ये योजना का लाभ मिलेगा। ये योजना दोस्तों ऑनलाइन नहीं करवाई जा रही है, अगर ऑनलाइन होता तो हम लोग ऑनलाइन वीडियो भी आपको करके दिखाते, लेकिन फिलहाल अभी ये ऑफलाइन ही चल रहा है। तो आपको अगर लाभ लेना है तो अपने जिला कल्याण पदाधिकारी से संपर्क करें, वहीं पे आपको ये लाभ मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।